तो हम जैसे ही पहुंचेंगे तो लाइव तस्वीरें जो है हम अभी भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये रास्ता जो है वो पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, टूटा हुआ रास्ता है और इस पे चल पाना भी मुश्किल है। तो आप इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो जहां पे आमने सामने की लड़ाई चल रही है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज, और आप देख सकते हैं, मैं अगर अपने बीजेपी को अगर कहूंगा दिखाने के लिए कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं ऊपर देखिए जो स्नो क्लैड माउंटेन्स यानी कि जो बर्फ से ढके हुए आपको पहाड़ दिखेंगे, इन्हीं जो पहाड़ों का पहाड़ी इलाके का इसी जंगलों का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी अब तक छिपते हुए यहाँ जंगलों में बचे हुए थे। लेकिन अब इनका पता लगा लिया गया है। अब कोशिश यही है कि जो शुरुआती हालांकि हमें नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नुकसान ना हो, हम जल्द से जल्द जो है वो आतंकवादियों का सफाया कर पाए। लेकिन जिस तरह से ऐसा बताया जाता है कि आतंकवादियों ने एक ओट ले रखी है जिस तरह से गुफा में और वहां से ये ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे में वहां पहुंचने के हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस जो है वो सबके लिए है, सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी है और मीडिया के लिए भी यहाँ चैलेंजेस हैं इस इलाके में। तो लेकिन उन सभी चैलेंजेस को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश यही है कि जो सच बिल्कुल, तो हमारी भी कोशिश है कि जो ग्राउंड जीरो है वहां तक हमारी ये दूसरी टीम पहुंच पाए। लेकिन जिस जगह पर मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि आमने सामने की मुठभेड़ अब भी चल रही है, दो आतंकियों को मार गिराया गया है, अब से कुछ ही वक्त पहले की, कुछ ही मिनट पहले की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। दिलबाग सिंह डीजीपी मौके पे मौजूद हैं और सुबह से ही जो एडीजी जम्मू है मुकेश सिंह वो भी मौके पे मौजूद है। अभी हम इनकाउंटर साइड से कुछ दूरी पे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से इस लिंक रोड को अब काफी सख्ती बढ़ा दी गई है, इसको रोक दिया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अब किसी भी वाहन को अप्रोच रोड से आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब ऑपरेशन जो है वो पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम उन गाड़ियों को, यहां तक कि मीडिया का जो कर्मी है उनकी गाड़ियों को भी ये कहा गया है कि आप वापस मोड़िए यहां से, क्योंकि अब जो इनकाउंटर है वो तेज है और उनको निर्देश है कि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि आप देख सकते हैं कि हालांकि यहां पे बहसबाजी भी काफी हुई मीडिया कर्मियों में और यहां सिक्योरिटी फोर्सेज में कि उनको आगे जाने दिया जाए। और लगातार सर्च ऑपरेशन अब सेना का यहां पर जारी है, मुठभेड़ आतंकियों से जारी है। अभी ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 7 से 9 आतंकी इस इलाके में हो सकते हैं जो अलग अलग गुट बना करके, दल बना करके 3 से 4 की तादाद में अलग अलग इलाकों में फैलने और हमला करने की फिराक में थे। लेकिन अब जबकि एनकाउंटर जारी है इस इलाके से, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 20 अप्रैल को भी जिस तरीके से घटना हुई थी पुंछ में और उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन एक घने जंगल का इलाका है, रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, और कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है सर्च ऑपरेशन से जुड़ी? देखिए, PAFF जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है और बताया है कि 20 तारीख को भी उन्होंने ही एक एम्बुश लगाया था, एक हमला किया था और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को आगे आने दिया। यानी उनका दावा ये है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ओर लाने में मजबूर कर गए और उसके बाद उन्हें जब मौका मिला उसके बाद उन्होंने अटैक किया है सिक्योरिटी फोर्सेज पर। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब 20 तारीख को हमला हुआ था और उसमें जो नुकसान हुआ था फौज को, उसके बाद जो है पूरे एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, चाहे वो राजौरी का डिस्ट्रिक्ट हो या पुंछ का डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों एरियाज में जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है वहां पे पुलिस, वहां पे CRPF हो या बाकी आर्मी हो, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो वहां पे आगे बढ़ रहे थे और DGP खुद मॉनिटर कर रहे थे इस एरिया में मिलिटेंटों की मूवमेंट को। जैसा मैंने कहा कि इनपुट्स ये थे कि 10 से 12 मिलिटेंट इस एरिया में छुपे हुए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी थी। लेकिन टफ टेरेन्स हैं, बहुत मुश्किल भरा एरिया है और वहां पे मौसम जब साथ देता है उसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और बड़े बड़े पत्थर हैं वहां पे, बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ के नीचे छुपना बहुत आसान है। लेकिन जिस तरीके से आज भी फौज को नुकसान उठाना पड़ा, अब शायद हिकमत अमली जो है बड़े पैमाने पे तैयार करनी होगी, उसके बाद ही यह ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। एक बड़ा चैलेंज है न सिर्फ आर्मी के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी, क्योंकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में 10 से 12 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन आज जो ही फौज की टीम जो है वो आगे पहुंची, यानी जिस तरीके से वो
वो नज़दीक पहुंचे मिलिटेंटों के, उनको घेरा गया और उसके बाद जो वहां पे धमाके हुए उसी में फौज को नुकसान उठाना पड़ा। पहले दो जवान जो हैं उनकी खबर आई थी कि वो स्कम कर गए, उसके बाद तीन और जवान जो थे वो जख्मी हुए थे। और अभी जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जैसा मैंने कहा कि PAFF नामी एक संगठन है जो लश्कर या जैश का एक ग्रुप है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ये अटैक किया है। रिफत, ये बताया जा रहा है कि आतंकी जिनकी संख्या 7 से 9 हो सकती है वो दो अलग अलग गुटों में है, तो क्या दो जगह से अभी गोलीबारी हो रही है और जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, या सारे आतंकी एक ही जगह पर, जैसा कहा जा रहा था कि किसी गुफा में छुपे हुए हैं, इन आतंकियों को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल डिफिकल्ट एरिया है, जैसा मैंने कहा वो तीन ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, दो ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक कह पाना बहुत मुश्किल है। न सिर्फ पुलिस को जो वहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं उनके मुताबिक, बल्कि आर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आर्मी की है वहाँ पे, पूरा एरिया जो है वो कवर किया है आर्मी ने, और लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे, गार्ड जो कर रही है वो आर्मी ही कर रही है, फ्रंट लाइन पे जो आर्मी है उनको भी इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं और इन्फिल्ट्रेट कर गए थे काफ़ी सारे मिलिटेंट। और पुलिस ने ये भी बताया था कि तकरीबन 9 से 12 मिलिटेंट जो है इस पूरे एरिया में छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी थी। लेकिन जिस तरीके से आज फिर से फौज को नुकसान हुआ, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उस जगह पे छुपे हुए हैं जहां पे उन पे आर्मी की तरफ से हमला करना बहुत मुश्किल है, जबकि वो गात लगाकर हमला करते हैं और उसी में फौज को नुकसान हुआ। इससे पहले भी 5 फौजी जवानों की इसमें जान गई और आज भी एक बड़ा नुकसान फौज को हुआ है। अभी जो इनपुट्स हैं, बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, लेकिन बॉडीज रिकवर नहीं हुई हैं, वो कह पाना मुश्किल है कि क्या 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्या वो गिरे हुए हैं। जिस तरीके से आपने कहा 7 या 9 मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है, क्या वो 3 ग्रुप्स में हैं, 2 ग्रुप्स में हैं, या एक ही जगह फंसे हुए हैं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तकरीबन 5:18 हुए हैं और जो ही 7:30 का टाइम होगा तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बहुत जल्द इसकी भी जानकारी मिल सकती है। कोमल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है, राजौरी में मौजूद है जहां पर ग्राउंड जीरो पर यह एनकाउंटर जारी है। कोमल, क्या और ताजा अपडेट? और सबसे अहम बात यह कि पुंछ में जो हमला हुआ था उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, क्या ये उन्हीं आतंकी संगठन से जुड़े लोग हो सकते हैं जिनकी मौजूदगी और यह एनकाउंटर? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 20 अप्रैल को जब आतंकियों की बस पे हमला होता है उसके बाद 15 दिन जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन था वो थमा नहीं था, दिन हो या रात सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी था। ऐसे में आपने देखा कि हम यहाँ पर स्पॉट पे पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, और यहाँ पर सेना की टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौके स्थल पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर आपको बात करें, अगर आपको दिखाने की कोशिश करें कि जो एरिया, मैं चाहूंगी कि नारायण से कहना चाहूंगी कि यहाँ का एरिया जो है वो बताए, यहाँ पर जो है सेना की टुकड़ियां पहुंची हुई है, और ये जो एरिया है यहाँ पर आतंकियों का जो एक बड़ा ठिकाना था जहाँ वो छुपे हुए थे। एक विशेष सूचना मिलने के बाद ही यहाँ पर जो थे सेना के जवान पहुंचे हुए थे, उन्होंने जब यहाँ पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक विस्फोट किया, और आप देखिए वो जो घना जंगल है नारायण, आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे, वो जो घर है, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स, हाई टेक्निशियन ड्रोन्स के जरिए आपने देखा कि कैसे सर्च अभी भी चल रहा है, और वो जो घर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे घने जंगलों में वो एक बड़े हाइडआउट के साथ बैठे हैं प्रशांत। लेकिन यहां पर अभी आपने देखा कि खबर ये आ रही है कि दो जो आतंकी ढेर किए गए हैं, अभी उनकी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हुई है, लेकिन हालांकि सूचना यहां पर मिल रही है कन्फर्मेशन की, दो आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है, वो विस्फोट करते हैं जिस विस्फोट में हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जवानों की बलि यहां पर चढ़ जाती है। पिछले 15 दिनों से सर्च ऑपरेशन एक भी पल के लिए थमा नहीं था, और ऐसे में ये जो सर्च ऑपरेशन था इसमें कामयाबी यहां पर 2 आतंकियों के मारने की बेशक मिली है, लेकिन हमारे 5 जवानों ने जिन्होंने आज अपनी जान गंवाई है, सोचा नहीं था कि वो अपना बदला लेने की सोच और बदला लेने के भाव से वो 5 जवानों की शहादत का बदला लेने